के होटल में 2 जनवरी को एक मॉडल की हत्या से सनसनी फैल गई। मृतका की पहचान 27 साल की दिव्या पाहुजा के तौर पर हुई। हत्या के आरोप में पुलिस ने दिल्ली के रहने वाले कारोबारी अभिजीत सिंह को गिरफ्तार किया। दिव्या पाहुजा 2016 में मुंबई में गैंगस्टर संदीप गाडोली के एनकाउंटर के वक्त सुर्खियों में आई थी। दिव्या गैंगस्टर गाडोली की गर्लफ्रेंड थी। उस पर गाडोली की सूचना लीक करने के आरोप लगे थे और अब अपनी हत्या के बाद फिर से दिव्या खबरों में है। पुलिस की जानकारी के मुताबिक 1 जनवरी को दिव्या पाहुजा हत्या आरोपी अभिजीत सिंह के साथ घूमने गई थी और फिर अभिजीत और एक अन्य के साथ 2 जनवरी की सुबह 4:15 पर गुरुग्राम के सिटी पॉइंट होटल में पहुंचे थे। 2 जनवरी की रात अभिजीत सिंह ने अपने अन्य साथियों के साथ मिल दिव्या की हत्या को अंजाम दिया और फिर उसके शव को अपनी गाड़ी में डाल ठिकाने लगाने के मकसद से अपने 2 अन्य साथियों को 10,00,000 रुपए दिए। अभिजीत के दोनों साथी मृतका के शव को लेकर फरार हो गए। हत्या के बाद लाश को ठिकाने लगाने की सारी घटना होटल में लगे सीसीटीवी में कैद हो गई। होटल के सीसीटीवी की फुटेज में ये भी साफ दिख रहा है कि दिव्या होटल मालिक और एक अन्य शख्स के साथ होटल में आती है, लेकिन जाती है लाश बनकर। बहरहाल पुलिस ने अभिजीत और 2 अन्य को गिरफ्तार कर लिया है। जिस BMW कार में दिव्या की लाश ठिकाने लगाने की साजिश रची गई, वो BMW कार पंजाब के पटियाला में मिली है। गुरुग्राम पुलिस अपनी जांच को आगे बढ़ाते हुए पंजाब पहुंची और कार बरामद की गई, लेकिन कार में दिव्या की लाश नहीं थी। अब आपको विस्तार से बताते कि दिव्या कौन थी। दिव्या पाहुजा का नाम गुरुग्राम के बड़े गैंगस्टर संदीप गाडोली के एनकाउंटर में सबसे पहले सामने आया था। दरअसल दिव्या पाहुजा संदीप गाडोली की एक जमाने में प्रेमिका हुआ करती थी और इसकी जानकारी गुरुग्राम पुलिस को लगी तो संदीप गाडोली पर शिकंजा कसने के लिए पुलिस ने जाल बिछाया। गुरुग्राम पुलिस को पता चला कि दिव्या पाहुजा संदीप से मिलने मुंबई जाने वाली है। उस वक्त गैंगस्टर की बहन ने आरोप लगाया था कि दिव्या पाहुजा मुंबई जाते वक्त फेसबुक पर लगातार अपनी लोकेशन शेयर कर रही थी, जिसके चलते गुरुग्राम पुलिस गैंगस्टर संदीप गाडोली तक पहुँच गयी और मुंबई में उसका एनकाउंटर कर दिया। 7 फरवरी 2016 को मुंबई में संदीप का गुरुग्राम पुलिस ने एनकाउंटर किया था। एनकाउंटर के बाद गैंगस्टर की बहन की शिकायत पर मुंबई में फेक एनकाउंटर का मामला भी दर्ज हुआ, जिसमें गुरुग्राम पुलिस की टीम सहित दिव्या पाहुजा को मुंबई पुलिस ने गिरफ्तार किया था। 1 महीना पहले ही दिव्या जमानत पर जेल से बाहर आई थी। 2016 में अपने प्रेमी के फर्जी एनकाउंटर के बाद 2023 में दिव्या खुद अपने बुने जाल में फंस गई और उसकी हत्या कर दी गई। पुलिस के मुताबिक दिव्या पाहुजा के पास आरोपी अभिजीत सिंह की कुछ अश्लील तस्वीरें थी, जिनके कारण वो लगातार ब्लैकमेल कर रही थी। दिव्या पाहुजा अक्सर आरोपी अभिजीत सिंह से खर्चे के लिए रुपए लेती रहती थी और अब मोटी रकम ऐंठना चाहती थी। 2 जनवरी को होटल सिटी पॉइंट में आरोपी अभिजीत सिंह दिव्या पाहुजा के साथ आया था। वो उसके फोन से अपनी अश्लील फोटो डिलीट करना चाहता था, लेकिन दिव्या ने फोन का पासवर्ड नहीं बताया। गुस्से में आकर आरोपी अभिजीत ने दिव्या पाहुजा की गोली मारकर हत्या कर दी। मॉडल दिव्या पाहुजा हत्या मामले में गुरुग्राम SP सिटी मुकेश कुमार ने बताया कि लड़की के परिवार वालों ने आरोप लगाया था कि दिव्या अभिजीत नाम के एक व्यक्ति के साथ गई थी। अभिजीत एक होटल का मालिक है। पुलिस ने जब होटल के सीसीटीवी फुटेज को खंगाला तो इस वारदात का खुलासा हुआ। दिव्या नाम की लड़की जिसकी 27 साल की उम्र है, उनके परिवार वालों ने बताया कि लड़की किसी अभिजीत नाम के, जो कि सिटी पॉइंट होटल गुड़गांव का मालिक है, उनके साथ गई थी और अब उनका मोबाइल स्विच ऑफ आ रहा है। जो पुलिस ने सिटी पॉइंट होटल में जा कर के सीसीटीवी फुटेज को खंगाला तो अपराध की होने की पुष्टि होने पर अभियोग अंकित किया गया है और आगे अभी इन्वेस्टिगेशन की जा रही है, जिसमें क्राइम टीम भी इसमें हर पहलू पे बारीकी से अनुसंधान कर रही है। मृतका कौन है, कहाँ की रहने वाली है सर, क्या नाम है उसका? ये मैंने आपको बताया, दिव्या नाम की लड़की है और ये बलदेव नगर गुड़गांव की रहने वाली। क्राइम की टीमें भी लगी हुई हैं।
ये सामने आया था कि सबूत मिटाने के लिहाज से इसने, हाँ कोशिश की गई है। बाकी इन्वेस्टिगेशन के बारे में ज़्यादा अभी नहीं, तो पूरा खुलासा मीडिया प्रभारी के माध्यम से आपको। बीएमडब्ल्यू गाड़ी में सर कौन लोग थे जो उसके शव को लेके गए हैं, क्या उनकी पहचान हो पाई है सर? मैंने आपको बताया ना कि अभी इन्वेस्टिगेशन इस लेवल पे है कि उसको कुछ भी बताना ठीक है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18।